सब्सक्राइब टू बिजनेस ऑफ सिनेमा, क्लिक द बेल आइकन फॉर ऑल अपडेट्स। हिंदी में और भारतीय लोगों के आई थिंक बहुत अच्छी बात है यार, कोई चीज़ जब अच्छी होती है तो जितने ज़्यादा लोग देखें और जितने ज़्यादा लोग उसका मज़ा उठाएं उतना अच्छा होता है। और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन भी कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी फिल्म है जो आई थिंक हर इंग्लिश जो समझता है उन सभी ने देखी है, और जहाँ जहाँ ट्रांसलेट हुई है वहाँ सभी लोगों ने देखी है और सभी जगह लोगों को बेहद पसंद आई है। अच्छा है कि अभी इंडिया में भी ये सब हो रहा है, और मुझे अगर कहा गया आवाज़ के लिए तो अच्छा है, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग फेमिलियर हैं मेरे काम से, आई थिंक वो सब देखें पिक्चर। यस, बेहद एंटरटेनिंग है, मज़ेदार है, स्केल बहुत हाई है, एक्शन ज़बरदस्त है, कॉमेडी बहुत अच्छी है, स्पेशल इफेक्ट्स अनबिलीवेबल हैं। जॉनी डेप जो एक ऐसा किरदार है उनको मतलब मैच कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, आपके लिए भी काफ़ी चैलेंज है। इसमें क्या है कि मुश्किल तो है, बिकॉज एक आध चीज़ बड़ी डिफ़िकल्ट होती है एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो कॉमेडी मुश्किल होती है, और एक शराबी जैसे होता है ना, जो अमित जी बहुत अच्छा करते हैं, तो इसमें दोनों इस कैरेक्टर में वही है, ये या तो बहुत ज़्यादा पिया हुआ है या थोड़ा कम पिया हुआ है या फिर हैंगओवर में है और हमेशा एक लाइंस बोल रहा है, उसकी ह्यूमर चल रहा है साथ में, तो ये दोनों कॉम्बो जो है बड़ा लीथल और बड़ा मुश्किल है। और जो जॉनी डेप ने बहुत ही खूबसूरती से किया है, जिस तरह के कैरेक्टर लिखा गया है वो बहुत ही अच्छा है। जहाँ तक मेरा डब करने का सवाल था, मैंने सिर्फ इतनी कोशिश की कि हम क्या होता है, हम जब देखते हैं ना डब चीज़ें देखते हैं तो हमको वो कैरेक्टर और वो आवाज़ हमेशा दो अलग लगती है, ऐसा लगता है ये दो अलग चीज़ें चल रही हैं। मैं चाहता था कि ये जुड़ जाएं, मैं बस चाहता था कि भले से एक लैंग्वेज अलग है लेकिन ऐसा लगे कि ये वही कैरेक्टर बोल रहा है जो एक्टिंग कर रहा है, तो ये जॉनी डेप ही बोल रहा है, ऐसा लगे कि बस यही डब कर रहा है। तो कहीं पर मैंने उसकी आवाज़ को कॉपी नहीं किया, मैंने उसके कैरेक्टर को कॉपी किया, तो आवाज़ मेरी है लेकिन जो कैरेक्टर है वो वही जॉनी डेप का है, वही जैक स्पैरो का है, वही पिया हुआ है, वही लड़खड़ाता हुआ, वही है कैरेक्टर। एक और चीज़ मैंने की है कि इसके अंदर जो इंग्लिश ह्यूमर है जो अक्सर आप ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में तो उसका मज़ा चले जाता है, हमने इसको ट्रांसलेट किया लेकिन इसको उतना हिंदी बना दिया कि जो इंडियन ऑडियंस है वो उस तरह का ह्यूमर समझ पाएगी, वो ज़बान और वो लैंग्वेज समझ पाएगी, तो वो कर दिया, तो उससे अब सुनने में और मज़ा आता है। Hi everybody, I'm Shahrukh Khan. Watch me only on facebook.com/businessofcinema.